नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने किया उपस्थित जनों को संबोधित। आयुष्मान भारत योजना के विश्व की सबसे बड़ी योजना है, देश के 50 करोड़ लोगों को मिल सकेगा इसका लाभ। हरियाणा के 60 लाख लोग होंगे लाभान्वित। सिरसा जिले में करीब 83,000 परिवारों के 4 लाख लोगों को लाभ मिल सकेगा। इसमें से 57,406 ग्रामीण व 24,955 शहरी लोगों को लाभ मिलेगा। सिरसा के 4 सरकारी व 9 निजी अस्पतालों में इलाज हो सकेगा। आप देख रहे हैं सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज सिरसा के नागरिक अस्पताल में सिरसा पहुँच करके आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर 5 पात्र लोगों को गोल्डन कार्ड भी जारी किए गए। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर गोविंद गुप्ता, उपायुक्त प्रभजोत सिंह भी उपस्थित थे। कृष्ण बेदी ने बताया कि इस योजना के तहत सिरसा के पात्र 82,361 परिवारों के 4 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में उपचार करवा सकेंगे। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये तक इलाज खर्च सरकार ही उठाएगी। अभी जिला के 9 निजी अस्पताल व 4 सरकारी अस्पतालों को एक पैनल के नीचे लाया गया है और इन अस्पतालों की योजना के तहत 1350 प्रकार की बीमारियों का इलाज मुफ्त हो सकेगा। इलाज केवल इंडोर ही होगा। इसके लिए पैनल में शामिल अस्पतालों में मरीज को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। योजना के पात्र लोगों को कार्ड दिया जाएगा तथा यह योजना कैशलेस रहेगी। वहीं कृष्ण बेदी ने बताया कि केंद्र सरकार की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2011 में किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर बनाया गया है। इस सर्वे के आधार पर जिला सिरसा में 82,361 परिवार ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं। इन सभी परिवारों को सीधे तौर पर आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इनमें से 57,406 परिवार ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और 24,955 परिवार शहरी क्षेत्र में हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्र व्यक्तियों को लाभ के लिए सिविल अस्पताल सिरसा में ट्रामा सेंटर में आयुष्मान मित्र लगाया गया है। परिवार पात्र परिवार का व्यक्ति इस आयुष मित्र कक्ष में अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड दिखाएगा। वहीं आयुष मित्र लिस्ट के अंदर उनका नाम देख करके उन्हें कार्ड बनाकर देगा और पात्र परिवार के व्यक्ति को अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि साथ लेकर आना होगा ताकि इस योजना में उसका रजिस्ट्रेशन हो सके। और इस योजना में आयुष मित्र कक्ष में रजिस्ट्रेशन होने के बाद साधारण कार्ड मिलेगा, बाद में केंद्र द्वारा गोल्ड कार्ड बना करके दिया जाएगा। आप देख रहे हैं सिरसा से ये खास रिपोर्ट। में गरीब के बच्चे के पेट में रोटी भी हो, तन पे कपड़ा भी हो, पाँव में जूती हो, शिक्षा हो, दवाई हो, स्वास्थ्य हो, आज दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की एक योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने आज रांची से लॉन्च की है, आयुष्मान भारत। और मुझे भी आज सरसा में इस लॉन्चिंग के अवसर पर आने का मौका मिला। आज हरियाणा प्रदेश के सभी मंत्रीगण, माने मुख्यमंत्री जी स्वयं करनाल से और सभी मंत्री, विधायक और सांसद और केंद्रीय मंत्री हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों से इस आयुष्मान भारत स्कीम की शुरुआत करने जा रहे हैं और सरसा जिले की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं आज आपके बीच में हूँ। एक ऐसी भव्य योजना, आज तक लोगों को स्वास्थ्य का बीमा तो किया परंतु एश्योरेंस नहीं हुआ, इंश्योरेंस तो हुआ, एश्योरेंस नहीं हुआ। आज जो लोग इसमें लाभान्वित होने जा रहे हैं उनको हमें गोल्डन कार्ड दे रहे हैं और वो गोल्डन कार्ड, वो पैनलाइज जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे उनका दाखिल होने से लेकर इलाज पूर्ण होने तक और उसके बाद इलाज होने के बाद उसको घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी उस हॉस्पिटल की होगी, हमारी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की होगी। आपका जैसे कहते हैं 0 ईयर टू 100 ईयर, सभी लोगों को जो परिवार इसमें आ रहे हैं SCCCC डाटा के अनुसार उस सभी को हम लेंगे। और आपने भ्रष्टाचार की बात की है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रूफ करने का काम किया है। यदि फिर भी कहीं से कोई शिकायत आएगी, आपके माध्यम से आए या किसी और माध्यम से आए, तो किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। अब बेचारा अशोक तंवर क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं इसमें आज इतने भव्य कार्यक्रम में मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता, परंतु वो जरा झांक के देखे ना, वो बड़ी भाग दौड़ करा को कांग्रेस से सुन रहा उसकी, ना हुड्डा सुने, ना किरण चौधरी सुने, ना रणदीप सुने,
कभी साइकिल दौड़ाता है, कभी कुछ कर रहा है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अपनी बात अपने तक रखे। ये आज का बहुत भव्य कार्यक्रम है, ये इसमें राजनीतिक में बात नहीं करना चाहता, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। आज जिस गरीब आदमी से अंत्योदय का वादा करके हम लोग आए थे, उस अंत्योदय का सपना साकार करने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया है, और इसके लिए मैं खासतौर से मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपके एक सहयोग की बहुत बड़ी जरूरत रहेगी, क्योंकि लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप लोगों को अवेयर करेंगे तो लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके। हमने जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो SCCC का डाटा था उसके अनुसार लोगों को लेने का काम किया, परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता रखा है, जो लोग डिलीट करने की आवश्यकता है तो उसको डिलीट करेंगे। यदि 2011 की जनगणना के बाद हमें लगता है कि इस कैटेगरी में कुछ लोग आ सकते हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए, तो उनको लाभ देने का हमने रास्ता रखा।